वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल द कंसेप्ट मास्टर तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडाइनमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसी के सीरीज़ में ये फोर्थ लेक्चर है मेरा जैसा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हम टोटल हंड्रेड बेसिक लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप एंड हंड्रेड एडवांस लेवल तो जो बेसिक टाइप क्वेश्चन हैं दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर एस एस सी जी ई एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल द एडवांस क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट फॉर गेट एग्जाम्स तो उन सभी क्वेश्चन के बिहाइंड कंसेप्ट क्या है वो भी डिस्कस करेंगे हम डिटेल में तो बने रहिए मेरे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से नाउ द इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड बाय द इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड बाय तो कौन से लॉ से इंटरनल एनर्जी डिफाइन होती है हमारी तो देर आर फोर लॉज हैं जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एंड लॉ ऑफ इन तो अगर मैं बात करूँ जीरोथ लॉ जैसा कि मैं पहले ही लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ जीरोथ लॉ टेल्स एस अबाउट द टेम्परेचर तो इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट लॉ टेम्परेचर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो दिस इज दिलर्जी डी यू प्लस इन दिससेप्टी सेकेंड लॉ हमारा क्या बात करता है कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी सेकेंड लॉ जो होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉपी की बात करता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड वॉयलेट्स परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड सेकेंड काइंड अगर परपेचुअल मोशन मशीन होता क्या है दिस इज द हाइपोथेटिकल मशीन जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है जस्ट ये हाइपोथेसिस होता है तो ये परपेचुअल सेकेंड काइंड है तो डेफिनेटली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को ही वायोलेट करेगा तो वो भी सेकेंड लॉ में जो हमारा कैलविन प्लांक स्टेटमेंट है सेल्फ सेकेंड लॉ में जो हमारा कैलविन प्लांक स्टेटमेंट है ये उसको वॉयलेट करता है हमारा तो कैलविन प्लांक स्टेटमेंट हमारा तो क्या कहता है हमारा ये पी एम पी एम एम सेकेंड द हीट इंजन विल प्रोड्यूस नेटवर्क इन अ कम्प्लीट साइकिल बाई एक्सचेंजिंग हीट विद ओनली सिंगल रिजर्व वायर की जितना हीट हम सिंगल रिजर्व वायर से देंगे डिवाइस को वो टोटल हीट को 100 परसेंट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा तो ये हमारा कैलविन प्लांक स्टेटमेंट जबकि ये कहता है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस सिंगल रिजर्वायर के साथ में वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिजेक्ट करेगा अपने सेकेंड सिंक में तो सोर्स और सिंक दो रिजर्वायर होने चाहिए बट परपेचुअल मोशन मशीन सेकेंड काइंड कहता है कि एक ही रिजर्वायर्स के साथ में वो हंड्रेड हीट को इफिश वर्क में कन्वर्ट कर देगा तो इफिशेंसी हंड्रेड होती है परपेचुअल मोशन मशीन Second kind की तो option इसमें हो जाएगा हमारा B. Option हो जाएगा जाएगा हमारा हमारा अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंथेपी तो इंथेलपी होती क्या है इंथेलपी इज द एनर्जी टोटल एनर्जी इंथेपी किसको डिस्कस करता है टोटल एनर्जी को इंथेलपी को अगर मैं आसान शब्दों में बताना चाहूँ अगर किसी के पास में एसेट्स हैं सपोज मेरे पास पाँच लाख कैश हैं बट अगर मेरे पास मैं टोटल कैश की बात करूँ तो मेरे पास घर भी है गाड़ी भी है तो उनका अगर सम हम करेंगे तो दैट इज़ इन्थेल्पी दैट इज़ द टोटल टोटल प्रॉपर्टी यानी कि टोटल हीट कितनी है उसके पास में तो हीट या एंथेल्पी यानी कि एनर्जी है उसकी टोटल एनर्जी तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल तो जूल को अगर हम ब्रेक करेंगे तो जूल किस में ब्रेक होता है हमारा न्यूटन मीटर और न्यूटन को अगर हम ब्रेक करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो जब हम इसको सम करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी जो एनर्जी की यूनिट होती है वही है हमारी इसकी यूनिट एम एल टू टी की पावर माइनस टू एम एल टू टी माइनस टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ स्मॉल टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी फॉर आइडियल गैस एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन फॉर यूनिट मास सी वी टी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है हमारा एम सी वी डेल्टा टी यूनिट मास के लिए है तो हमारा सी वी डेल्टा टी सी वी डेल्टा टी सी वी डेल्टा टी याद रखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ से हमारा जब एनालिसिस करते हैं तो वहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं इस पर एक अलग से लेक्चर मैं डालूंगा इस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे तो वहाँ हम देखेंगे इसको कैसे डेली ओवर सी वी डी टी में लाते हैं तो फिलहाल याद रखिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी सी वी डी टी होती है एम सी वी डेल्टा टी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन द परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड डिस्कस कर चुके हैं कैलविन प्लांक स्टेटमेंट थर्टी सिक्स ये भी डिस्कस कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो चेंज इन इंथेलपी फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी ऑफ फॉर आइडियल गैस ऑफ यूनिट मास इज एक्सप्रेस्ड दैट इज सी पी टी सी पी टी जो इंथेरेपी होती है हमारी एम सी पी डेल्टा टी इंटरनल एनर्जी होती है हमारी एम सी वी डेल्टा टी तो यूनिट मास के लिए है तो सी पी डेल्टा टी हो जाएगा हमारा सी पी डेल्टा टी इन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हीट ट्रांसफर्ड टू अ क्लोज स्टेशनरी सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो क्लोज्ड साइकिल के लिए हमारा वर्क क्या होता है क्लोज साइकिल के लिए हमारा वर्क होता है इंटीग्रल पी डी वी पी डी वी इंटीग्रल पी डी वी तो कांस्टेंट वॉल्यूम है डी वी जीरो तो वर्क ट्रांसफर जीरो हो गया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स क्या होता है हमारा डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू डेल क्यू इज़ इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू अगर डेल डी डेल डब्लू जीरो है तो हमारा डी यू जो इक्वल हो जाएगा डेल क्यू के हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर तो आंसर हो जाएगा हमारा वन हीट ट्रांसफर क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में हमारा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस में क्या होता है हमारा वर्क डन जीरो होता है वर्क डन जीरो होता है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में बताता है हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर तो वर्क ट्रांसफर जीरो तो हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर तो आंसर हो जाएगा हमारा ए थर्टी आंसर हो जाएगा हमारा यस yes. अब नेक्स्ट में बात करते हैं हम इन वरव गैस इक्वेशन द यूनिट ऑफ बी वंडरवॉल्स इक्वेशन क्या है हमारी ये मोडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन है चलिए ये बेस्ड किस पे है इट द प्रॉपर्टी ऑफ रियल गैस बाय डिस्क्राइबिंग पार्टिकल्स ऑफ नॉन जीरो वॉल्यूम तो ये प्रिडिक्ट करता है नॉन जीरो गवर्न बाई द पेयर वाइज अट्रैक्टिव फोर्स तो ये इसका प्रिडिक्शन होता है और बी क्या होता है हमारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ द गैस और इसको क्या कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड बाई द गैस पार्टिकल्स तो इसकी यूनिट जो होती है वो तो होती है हमारी मीटर क्यूब पर मोल मीटर क्यूब पर मोल तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द ट्रू फॉर टीडीएस इक्वेशन टीडीएस इक्वेशन तो हमारी टीडीएस इक्वेशन कितनी होती है हमारी दो टी डी एस इक्वेशन है फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन हमारे पास क्या है फर्स्ट टी डी एस इक्वेशन है टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी एंड सेकेंड टी डी एस है डी एच माइनस वी डी पी डी एच माइनस वी डी पी तो टी डी एस इक्वेशन का डेरिवेशन पे भी मैं एक सेपरेट लेक्चर डालूंगा फॉर द टाइम बिंग आपको याद रखना है हमारे पास दो टी डी एस इक्वेशन है वन इज डी एच माइनस वी डी पी डी एच माइनस वी डी पी एंड सेकेंड इज डी यू प्लस पी डी वी डी यू प्लस पी डी वी तो फोर्टी वन के केस में आंसर हो जाएगा हमारा ए फोर्टी वन के केस में आंसर हो जाएगा हमारा A. फोर्टी वन के केस में डीएच माइनस वीडीपी एंड फोर्टी टू केस में डीयू प्लस पीडीवी डी यू प्लस पीडीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दर्मोडा वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्मोडाइनेमिक वर्क किस किस का प्रोडक्ट है अगर बात करूँ मैं तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वी होता है P प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती है एंड पी डी वी चेंज इन वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं हमारी इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करती हैं तो पी डी वी इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी के केस में ऑप्शन है, होता क्या है हमारा? G H -TS. पिछले में हम देख चुके हैं गिफ्ट फंक्शन जी इज इक्वल टू एच माइनस टीएस एच क्या है इंथेल्पी है टी टेम्परेचर एंड एस इज द इंट्रोपी अब देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा इंथेल्पी टेम्परेचर और इंट्रोपी है तो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन है हमारा बी तो आंसर हो जाएगा हमारा बी तो आज के लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन हैं बने रहिए है मेरे साथ जैसे ही हम सौ बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में हम हंड्रेड एडवांस लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली उसमें मैं एक दिन में पाँच ही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा क्योंकि दे ऑल आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो उसके एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊँगा मैं और इन पर बेस्ड मैं एक एक लेक्चर अलग से ले टॉपिक वाइज डालने वाला हूँ तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट ऐसा तैयार कर दूंगा कि आप उस क्वेश्चन को कभी गलत आंसर नहीं टिक करेंगे